कि नमस्कार, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं स्पाइसी भोजपुरी के दर्शकों को बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी और अपना नाम बताते हुए बताना चाहूँगी कि मैं इनुश्री अभी फिल्म कहानी किस्मत की सेट पे हूँ जो मिरिंडा हाउस में चल रहा है और मैं अभी मराठी लुक में हूँ और यहाँ पे मैं मराठी लुक में एक गाना शूट कर रही हूँ जो कि टोन मराठी है, पूरा ट्यून जो है उसका जो बीट्स है वो मराठी है और जो लैंग्वेज है वो गाना वो भोजपुरी में है। तो इसमें मराठी और भोजपुरी का दोनों का संगम प्यार दिखाया जाएगा। वैसे भी मतलब मैं बताना चाहूँगी जैसे कि मराठी को बिहारी लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, लेकिन देख लीजिए कि हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं और एकता बनाए रखे हमेशा। तो कुछ रियल कहानी के ऊपर दर्शाएगा कहानी, आपने जो बताया कि भोजपुरी और बिहारी और भोजपुरी को जमता नहीं, तो इस तरह कुछ माहौल रियल लाइफ में देखने को मिलेगा? रियल लाइफ में हमेशा से देखने को मिलता रहता है हमारे, जैसे आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, बिहारी ऑटो वाले को, फल वाले को, सबको बहुत परेशान किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, लेकिन आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और हम लोग ऐसा नहीं मतलब सारे लोगों से प्यार करते हैं और हमेशा प्यार में रहना चाहते हैं, तो लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग सब अपने हैं और हमें भी आप अपना मानिए और प्यार से रहें। लुक की बात करते तो पूरा महाराष्ट्र लुक दिया, तो किस तरह तैयारी की थी आपने? सॉरी, किस तरह तैयारी की थी गाने के लिए? लुक के लिए ऑलरेडी एक्चुअली मैंने मराठी गाना किया हुआ है, तो ये लुक मैंने खुद से ही बताया था कि मुझे कैसा लुक चाहिए और जैसा कि हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि मराठी लोग कैसे तैयार होते हैं और बहुत ही प्यारे वो दिखते हैं जब भी वो ऐसे तैयार होते हैं जैसे मैं तैयार हुई हूँ, तो मैं उनको देख के ही थोड़ा थोड़ा सीख के उनके लुक को कॉपी किया है मैंने और मुझे आज बहुत सारी तारीफ मिल रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और जब अब फिल्म आएगी तो आप सब भी मुझे पसंद करेंगे। गाने का बाली जी का डायरेक्टर है, तो उसके बारे में क्या कहना है? बाली जी हमारे फिल्म के डायरेक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कल भी मैंने एक गाना किया, आज भी मैं एक गाना कर रही हूँ, दो दिन में हम लोग दो गाना फटफट फटफट कर ले रहे हैं और ये क्योंकि बाली जी इतने टैलेंटेड और इतने मतलब जल्दी पिकअप कराने वाले इंसान हैं कि हमारा जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है यहाँ पे अभी गाने का और आगे कुछ दिनों में और एक शेड्यूल में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप सबको बड़े से थिएटर में देखने को मिलेगा। कल्लू जी की बात करें तो किस तरह कहानी है दोनों की? कल्लू जी के बारे में बताना चाहूँगी कि आप सब जानते हैं कि कल्लू जी कैसे हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और हमेशा से उनके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी ही रही है और हमेशा से दो तीन फिल्में मैं उनके साथ कर चुकी हूँ, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, डांस सिखाते हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आप सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। होली आ रही है तो किस तरह मनाने वाले हैं अपने दर्शकों को क्या कहना है? होली में मैं अपने घर जाने वाली हूँ और खूब खाना खाने वाली हूँ और खूब कलर से खेलने वाली हूँ और आप सब भी खूब कलर से खेलिए और खूब मजा कीजिए। खाने की बात करते हैं तो होली में क्या पेचला बनाते हैं और क्या? मेरी मम्मी के हाथ का मुझे पुआ खाना बहुत पसंद है मीठा है जो कि अभी आपने खुद ने बनाया और किसको खिलाया? हाँ, मैंने खुद भी बनाया है लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं बनता है, वो पता नहीं क्यों हमेशा चिपक ही जाता है कढ़ाई में। और अपने दर्शकों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? दर्शकों को मैं सबसे पहले होली की और शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी और बोलूँगी कि आप अपना प्यार मुझ पे बरसाते रहिए, बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाइए, शुभकामनाएं दीजिए और मुझे सक्सेस की तरफ बनाइए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।